आर्ट पे ऐसे वीडियो आपके सामने लाए हैं और आपको उस मार्शल आर्ट से रूबरू कराएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे मार्शल आर्ट को खेला जाता है और उसमें क्या क्या चीज होता है, क्या वेपन्स होते हैं, क्या फाइट होती है, इसके बारे में आपको भी विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो गाइस हमारी वो मार्शल आर्ट है वुशू। वुशू एक चाइनीज वर्ड है। ये इस मार्शल आर्ट में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा सांडा होता है जिसमें थ्री टेक्निक होती है, किक, पंच एंड थ्रो। सेकेंड पार्ट हमारा ताउलू है जिसमें वेपन्स होते हैं और सोलो इवेंट भी करके दिखाते हैं और ग्रुप इवेंट भी होते हैं, ड्यूल इवेंट भी होते हैं। तो गाइस आज हम आपको वुशू के बारे में बताएंगे। वुशू एक चाइनीज मार्शल आर्ट है और इस मार्शल आर्ट में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि एक सांडा पार्ट होता है, दूसरा हमारा ताउलू पार्ट होता है। आज इन्हीं चीजों को हम आपके सामने करके दिखाएंगे और इस मार्शल आर्ट के बारे में आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। तो गाइस हमारे वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी कोई भी अपडेट है आपको मिलती रहेंगी, आप आसानी से हमारी कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस हमारे चैनल पे आप जाके जो भी वीडियो है, सेल्फ डिफेंस से रिलेटिव वीडियो पड़ी हुई है, फिटनेस से रिलेटिव वीडियो पड़ी हुई है, तो गाइस आप देख सकते हैं, जाके वहां से एक्सरसाइज सीख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीख सकते हैं। आज हम आपके सामने एक वुशू मार्शल आर्ट की आपको जानकारी देंगे, उसके बारे में भी बताएंगे और कैसे होता है, कैसे खेलते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो गाइस हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको आनंद आएगा, तभी आप इस आर्ट के बारे में जान सकते हैं और इस आर्ट को सीख। हेलो गाइस, वुशू में जो दो पार्ट होते हैं उसमें से एक पार्ट सांडा होता है जिसमें दो प्लेयर आपस में फाइट करते हैं, तो उनका जो साइड होता है एक रेड साइड होता है और एक दूसरा ब्लू साइड होता है। इस तरह से प्लेयर अपने इक्विपमेंट्स में आते हैं, रेड साइड और ब्लू साइड फाइट करते हैं। तो गाइस इस टेक्निक को, इस फाइट को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा कैसे। इसमें सांडा में थ्री टेक्निक होती है, किक, पंच एंड थ्रो। किक भी मार सकते हैं, थ्रो भी कर सकते हैं और पंच को मार सकते हैं। इन टेक्निक को आप ध्यान पूर्वक देखेगा, आपको एक हम डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी बंदे को किक मारते हैं इस तरह से किक मारते हैं, अगर इस बंदे ने हमें इस तरह से किक मारा है तो इस किक को ग्रिप करके इस तरह से हम थ्रो भी दे सकते हैं। तो एक हमारी अटैकिंग किक हो गई, दूसरी हमारी टेक्निक थ्रो हो गई और तीसरी टेक्निक हमारी पंच है। इस तरह से जैसे हमारी फाइट हो रही तो इस तरह से हम उसके फेस पे पंच भी मार सकते हैं, स्टमक पे पंच मार सकते हैं, हुक भी पंच मार सकते हैं, अपर कट भी पंच मार सकते हैं। तो गाइस अब इसको हम विस्तार पूर्वक आपके सामने करके दिखाएंगे, आप वीडियो पे बने रहिए, चलते हैं वीडियो की ओर। तो इस तरह से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का अभिनंदन करते हुए वो करते हुए अब फाइट स्टार्ट है। देखिए वुशू का ये पहला पार्ट सांडा है, इसमें दोनों खिलाड़ी आपस में फाइट कर रहे हैं, किक एंड थ्रो। थ्रो के साथ में पंच भी अटैक लेते हैं इस तरह से। बहुत ही पॉपुलर गेम है वुशू। आज वुशू में खिलाड़ी हमारे इंटरनेशनल एशियन गेम में मेडल दे रहे हैं और एक टॉप का गेम है वुशू गेम। सभी सर्विसेज में, ऑल इंडिया पुलिस में, अभी हमारे ऑल इंडिया पुलिस में, यूपी पुलिस में कई वुशू के खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए हैं। देखिए आप लोग कैसे दो खिलाड़ी आपस में फाइट कर रहे हैं, किक पंच का कॉम्बिनेशन के साथ में फाइट करते हुए। तो गाइस अगर आप लोग इस वुशू आर्ट सीख के अपना करियर बना सकते हैं, अपना फिटनेस बना सकते हैं और
आप देखिएगा इस तरह से दो लोग फाइट करते हैं, इसे चाइनीज में सांडा बोलते हैं। जैसे आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट साइड दो कॉर्नर होते हैं, दो साइड होते हैं, ब्लू साइड एंड रेड साइड। ये वुशु का सेकेंड पार्ट ताउलू है। इस तरह से इवेंट करते हैं, सोलो इवेंट करते हैं विदाउट वेपन। आप लोग देख रहे हैं कितनी हाई जंप मारते हैं। तो गाइस ये मार्शल आर्ट वुशु का सेकेंड पार्ट ताउलू है। आपने पहले इवेंट देखा होगा, सोलो इवेंट देखा होगा, अब वेपन्स के साथ में देखिए। इसमें वेपन्स भी होते हैं, इस वेपन्स को दाउशू बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रॉड शॉर्ट बोलते हैं। इस तरह से वुशु में एडवांस किके होती हैं, जंप होती हैं। ये वुशु का सेकंड पार्ट ताउलू है, इसमें आप लोग एडवांस जाट। हेलो गाइस, आपने एक मार्शल आर्ट वुशु का डेमोंस्ट्रेशन देखा। जैसे हमने आपको बताया वुशु में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा पार्ट सांडा होता है जिसमें किक पंच एंड थ्रो थ्री टेक्निक पे डिपेंड है, दूसरा हमारा पार्ट ताउलू होता है जो सोलो इवेंट और वेपन्स के साथ में करके दिखाते हैं। आपने दोनों वीडियो को आपने देखा, दोनों टेक्निक को आपने देखा। तो गाइस वुशु एक ऐसा गेम है जो एक कंप्लीट मार्शल आर्ट है और ये आर्ट हमारी बहुत ही बढ़िया आर्ट है, बहुत ही बढ़िया मार्शल आर्ट है। अगर कोई भी बंदा इस मार्शल आर्ट को सीखता है तो अपना इस मार्शल आर्ट वुशु में कैरियर भी बना सकता है और अपने आप को फिट भी रख सकता है। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप वुशु को सीखना चाहते हैं, इस मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, मैसेज करिए, हमारा नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। और हमारा जो यहां पे सेंटर चलता है लखनऊ चौक स्टेडियम, लखनऊ उस सेंटर के नाम से, दूसरा हमारा जो सेंटर चलता है बालागंज में एकता नगर में, यहां पे हमारी एकेडमी है। तो गाइस यहां पे आके आप लोग इस आर्ट को सीख सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो गाइस हमारे वीडियो को देखिएगा और इस टेक्निक को देखिएगा कि वुशु कैसा कैसी मार्शल आर्ट है, तो आपको इस वीडियो से आपको पता चल जाएगी वुशु एक कैसी मार्शल आर्ट है और वुशु में ऐसी कोई। तो गाइस वुशु मार्शल आर्ट एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसमें बहुत सारे वेपन्स आते हैं, इसको फॉरेन कंट्री में कुंफू के नाम से भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं जैसे चाइनीज मूवी देखते होंगे तो कितने वेपन्स देखते होंगे, तो वो सारे वेपन्स इस वुशु में आते हैं। जब हमारा कंपटीशन होता है स्टेट लेवल नेशनल लेवल तो आपको ये सारी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी और हमारे इंडिया के खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे एशियन गेम में मेडल दे रहे हैं, आज कम्बेट गेम में टॉप परफॉर्म कर रहा है वुशु। वुशु एक मार्शल आर्ट बहुत ही तेजी से इंडिया में फैल रहा है। इंडिया में हमारा वुशु 1989 में स्टार्ट हुआ और आज
2024 चल रहा है, तो आप देख लीजिए हमारा वुशू किस लेवल से किस लेवल तक पहुंच गया है इतने कम समय में, तो आप खुद देख सकते हैं। और हमारे इंडिया के खिलाड़ी कंटिन्यू, कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन हो, चाहे वो एशियन गेम हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या अदर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन हो, सब कंपटीशन में हमारे इंडिया के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल दे रहे हैं। और खिलाड़ी इंडिया के जो मार्शल आर्ट वुशू से जुड़े हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत करके अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं और उनकी मेहनत का उन्हें फल मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स कोटे से बहुत ही अच्छी अच्छी नौकरियां दे रही है, मेडल निकलता है तो बहुत सारा पैसा दे रही है, प्राइज मनी दे रही है। तो गाइस आप लोग वुशू को सीखिए, अपना कैरियर बनाइए। आप वुशू को सीखेंगे जो भी आपके अंदर गंदी आदतें होंगी सारी खत्म हो जाएंगी और आप एक उभरता जागता और चमकता हुआ सितारा इस देश में। तो वुशू ऐसा गेम है, आप इसे सीख के अपना कैरियर आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही वीडियो आपके सामने, तो आप लोगों के सामने हमने वुशू के बारे में बताया कि वुशू कैसा गेम है, क्योंकि वुशू आज ही के समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो गाइस हमारा आपको मैसेज है कि आप इस गेम को ज्वाइन करिए, और अगर आप इस गेम को ज्वाइन करते हैं तो आपका करियर सिक्योर होगा। आप इस गेम में अच्छे से मेहनत करके उस हाई लेवल पे जा सकते हैं जिस लेवल का हर एक व्यक्ति सपना देखता है। आपको इज्जत, शौहरत, पैसा सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने सपनों में वो सच्चाई ला सकते हैं जो आपने कभी उसका सपना देखा होगा। तो गाइस हमारे साथ में जितने भी खिलाड़ी खड़े हुए हैं, ये वुशू के नेशनल प्लेयर हैं, मेडलिस्ट हैं, और आज इनको 2 से 3 साल हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, ये लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और आप देखिएगा कुछ समय में ये नेशनल और इंटरनेशनल भी परफॉर्म करेंगे और वहां पे मेडल देंगे और देश का नाम विदेश में ऊंचा करेंगे, तिरंगे को फहराएंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप वुशू गेम से जुड़िए। हम नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ फिर मिलेंगे और नए टेक्निक के साथ मिलेंगे और नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, नए सरल डिफेंस टेक्निक के साथ मिलेंगे। तो गाइस जब तक ये चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।